अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी, मेरे पास यहाँ है जी अल नसीब की पंजीरी। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिव्यू किया था खालिस लैंड की पंजीरी और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और मुझे उसकी क्वालिटी और उसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने लगी हूँ ये जी हमारे पास अल नसीब, जो कि एक ब्रांड है ड्राई फ्रूट्स का। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनके ड्राई फ्रूट्स थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ से जो है ना ये पंजीरी मैंने ऑर्डर की है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा एक डिमांडिंग प्रोडक्ट है पंजीरी और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड जो हैं वो इसको सेल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अल नसीब के जो ड्राई फ्रूट्स थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो क्यों ना इनकी जो पंजीरी है वो ऑर्डर की जाए। तो चलें जी हम इसको ओपन करते हैं। पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ। प्राइस इसकी है जी 1300 रुपये। वैसे ओरिजिनल प्राइस इसकी है 1700, लेकिन अभी जो है वो डिस्काउंट है, सेल है, तो सेल प्राइस इसकी है 1300। और अगर मैं आपको इसके वेट की बात बताऊँ तो वेट इसका है जी 500 ग्राम, मतलब हाफ के जी। और अगर हम खालिस लैंड की बात करें तो खालिस लैंड की जो पंजीरी है उसका वेट था 250 ग्राम, तो वेट के हिसाब से ये उससे डबल है। खालिस लैंड की जो पंजीरी थी वो आपको 250 ग्राम जो है वो आपको 1350 रुपए में मिलती है, गुड़ वाली, शक्कर वाली। और अगर हम चीनी वाली की बात करें तो वो आपको मिलती है 1150 में, तो मतलब उस प्राइस में आपको ये लोग डबल दे रहे हैं। तो मतलब अल नसीब जो है वो आपको उस प्राइस में क्वांटिटी डबल करके दे रहा है। तो इसको अभी हम ओपन करते हैं। ये मैं थोड़ा आपको अंदर से दिखाती हूँ इसको। ये देखें जी आपके सामने ये ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ कोकोनट भी है और यहाँ हमारे पास चार मगज है, बादाम है। तो अभी हम इसको जो है ना टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास छोटा सा फूल मखाना, बादाम है, किशमिश भी है, उसमें किशमिश नहीं थी, और चार मगज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बादाम है, रोस्टेड है, और काजू भी है। तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी ये पिस्ता भी है इसके अंदर, काजू भी है, बादाम है, किशमिश है, फूल मखाना है, चार मगज़ है और नारियल है। ये जी देखें इसके अंदर किशमिश है और कोकोनट के पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि ये आप देख लें, ये देखें बादाम, पिस्ता, अखरोट भी हैं इसके अंदर। सब जो है वो इसके अंदर बादाम है और इसके अलावा अखरोट, काजू और पिस्ता जो है वो कम है। ड्राई फ्रूट जो है वो आपको हर बाइट में मिलेगा। और अगर अब हम इसके टेस्ट की बात करें तो बिलीव मी इसका जो टेस्ट है बहुत बेटर है खालिस लैंड की पंजीरी से। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा हैं, वेट भी ज़्यादा है और प्राइस भी रिजनेबल है। तो अगर आप लोग पंजीरी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो खालिस लैंड से अच्छा है कि आप अल नसीब से ऑर्डर कर लें, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है, इसमें नट्स भी अच्छे हैं और इसका जो है ना वेट भी अच्छा है। वो वेट आपको 250 ग्राम में दे रहे हैं और ये आपको 500 ग्राम की पैकिंग में दे रहे हैं। तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा है एज़ कम्पेयर टू खालिस लैंड। लैंड की जो पंजीरी थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ड्राई थी, लेकिन ये जूसी है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। और अगर मैं आपको ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चार मगज, कोकोनट और किशमिश जो है वो इसके अंदर है और इसका टेस्ट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू खालिस लैंड। तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा है। अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।